बिलासपुर के लव्ड खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ एसपी डॉक्टर कार्तिकेय गोकुल चंद्रन ने किया। 2 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शनिवार को वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और रविवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एसपी ने अभिभावकों से बच्चों को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने की बात कही, ताकि बच्चे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में काबिल बने। खेल में जीतना हारना एक अलग बात है, खेल खेल में बच्चा अच्छी बातों को सीखता है और अपने नए मित्र भी बनाता है। और बच्चे आगे आके ऐसे छोटे बड़े टूर्नामेंट्स में भाग ले, जीतना हारना तो चलता रहता है स्पोर्ट्स में, बट वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, वो जो सीखते हैं और खेल कूद के मैदान में जो सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए रहते हैं। और ये बुरे चीज़ जो है, ड्रग्स, अल्कोहल, इन चीज़ों से आप दूर रहते हैं। और मैं पेरेंट्स को भी यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को खेल कूद के मैदान में भेजें, जीतना हारना खेल कूद में चलता रहता है, और ये सब छोटी चीज़ों को आप एंकरेज करना चाहिए, तभी आपके बच्चों को थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा और लोगों से व्यवहार कैसे करना है, आगे जाके ज़िंदगी में चुनौतियाँ कैसे चाहिए, वो सब सीखेंगे।